नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 जनवरी शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं अभी तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगर निगम दफ्तर में अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति रजिस्टर में काट छाट कर कार्यपालन यंत्री के फर्जी दस्तावेज कर वेतन निकालने वाले निगम कर्मी मुकेश अजमेरी को निगम आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। निलंबन के बाद उसे गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड अटैच किया गया है। मुकेश अजमेरी 16 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 के बीच केवल 6 दिन दफ्तर आया था। हाजिरी रजिस्टर में 17 जून से 30 जून तक उसकी अनुपस्थिति दर्ज थी। इसी तरह 18 जुलाई से 28 अगस्त तक वह मेडिकल अवकाश पर था। 29 अगस्त 2022 को वह ड्यूटी पर आया। इस दौरान उसने अनुपस्थित होने के बावजूद संबंधित दिनों में लगाई गई अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदला और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री डीएल दौराया के फर्जी साइन कर वेतन आहरित कर लिया। दौराया ने इसकी शिकायत कमिश्नर से की और जांच शुरू हुई। इसमें अजमेरी को दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन के दौरान अजमेरी गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड में पदस्थ रहेगा और उसे जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता रहेगी। यूपी के लखनऊ के रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम पर गुर्जर बनकर उज्जैन की एक युवती से दोस्ती की और फिर वह युवती को अपने साथ गुजरात के अहमदाबाद ले गया। युवती को जब युवक के मुस्लिम होने का पता चला तो उसने परिजनों को सूचना दी। युवती को अहमदाबाद से उज्जैन लाया गया। नीलगंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती से लखनऊ के जावेद की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जब जावेद ने खुद का नाम गुर्जर बताया था। पिछले महीने जावेद ने युवती को शादी का झांसा दिया और अपने साथ अहमदाबाद ले गया। फैब्रिकेशन का काम करने वाले जावेद की हकीकत जब युवती को पता चली तो उसने फोन कर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन अहमदाबाद पहुंचे तो युवक भाग निकला। पुलिस ने युवती की शिकायत पर जावेद के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। कल जंगल को सूचना लगी कि एक लड़की जो हिंदू है, यहाँ पे नानाखेड़ा लोहार पट्टी में रहती है, तो वो यहाँ से एक लड़का है जो अहमदाबाद में रहता है, उसका नाम है जावेद, लिखता गुज्जर है। वो इनको लगभग एक साल से संपर्क में था इंस्टाग्राम से। उसने अंजाम ये दिया कि यहाँ से उस लड़की को लेकर अहमदाबाद ले गया वो, और अहमदाबाद में जहाँ पे फेब्रिकेशन का काम करता वहाँ पे पड़ोस में अपने किराए से मकान ले रखा था, वहाँ पे रखा था। कल जैसे हमको सूचना लगी तो हमने हमारे साथ जाँच पड़ताल करके लड़की को आज लेके आ गए हम अहमदाबाद से, और नीलगंगा थाने पर कार्रवाई करने के लिए रखी है, अभी मेडिकल के लिए जा रही है। नए साल की भीड़ कम होने के बाद एक बार फिर श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। शुक्रवार से गर्भगृह में दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। अब वहाँ शिवरात्रि के समय दर्शन व्यवस्था बदली जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रवेश बंद रखे गए थे। अब स्थिति सामान्य होने के साथ ही एक बार फिर गर्भगृह में दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। गर्भगृह में आम श्रद्धालु मंगलवार से शुक्रवार तक प्रवेश कर सकेंगे, जबकि 1500 रुपए का शुल्क चुकाने वाले श्रद्धालु 7 दिन दर्शन कर सकेंगे। हालांकि वह सुबह 6 से दोपहर 1 और शाम 6 से 8 के बीच ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। आम श्रद्धालु दोपहर 1 से शाम 4 बजे और शाम 6 से 7:30 बजे तक प्रवेश कर सकेंगे। मंदिर की दर्शन व्यवस्था में अगला बदलाव 18 फरवरी से किया जाएगा। इस दिन महाशिवरात्रि रहेगी और तब गर्भगृह में प्रवेश बंद रखा जाएगा। मक्सी रोड पर कचरा गाड़ी में आग लगने के बाद अब नगर निगम की सारी कचरा गाड़ियों की फिटनेस जांचने की तैयारी शुरू हो गई है। आरटीओ ने इस संबंध में नगर निगम के उपायुक्त को पत्र लिखा है। करीब 1 सप्ताह पहले मक्सी रोड पर पवासा के पास सिग्नल पर खड़ी एक कचरा गाड़ी में अचानक आग लग गई थी। आग की इस घटना में पूरी गाड़ी खाक हो गई थी। रोड पर हुई इस घटना से कचरा गाड़ियों की फिटनेस पर आशंका जाहिर की जा रही है। उज्जैन नगर निगम में गाड़ियों का संचालन ग्लोबल कंपनी करती है और वह कचरे से हर महीने 1,40,00,000 रुपए की कमाई करने के बावजूद गाड़ियों का रखरखाव ठीक से नहीं करती। इसके चलते आरटीओ ने सारी कचरा गाड़ियों की फिटनेस की जांच कराना तय किया है। उपायुक्त को लिखे पत्र में आरटीओ ने वाहनों की जानकारी मांगी है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुफ्त उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट।
शानदार दावत और मिनिमम दाम, शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे चिंतामन रोड उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। मकर संक्रांति और शनिश्चरी अमावस्या के स्नान की तैयारी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को साफ जल में डुबकी लगवाने के लिए नर्मदा जल से अभिषेक किया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी और शनिश्चरी अमावस्या 21 जनवरी को रहेगी। दोनों ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की उम्मीद है। मकर संक्रांति का स्नान राम घाट पर होगा तो शनिश्चरी अमावस्या का त्रिवेणी तट पर। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए शिप्रा नदी में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा जल लाया जाएगा। इसके लिए नर्मदा परियोजना से 2 MCM जल की मांग की गई है। यह जल त्रिवेणी के समीप रोपणी तक आएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यह राम घाट तक चला जाएगा। साफ जल की आवक शुरू हो गई और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महितपुर के बोरखेड़ा में मोटरसाइकिल से जा रहे कंबल विक्रेता को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महितपुर तहसील के तुलसापुर के रहने वाले 50 साल के प्रेम सिंह पिता लोहा सिंह कंबल और चटाई बेचने का काम करते हैं। वह महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल से ही अपने ग्राम तुलसापुर आ रहे थे। उनके 3 साथी उन्हेल की तरफ अपने घर चले गए और वह अपने घर के लिए चल दिए। महितपुर के बोरखेड़ा के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे प्रेम सिंह को दाएं पैर, सिर और छाती में अंदरूनी चोट आई है। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में प्रेम सिंह ने बताया, ये वहाँ से आ रहा था धंधा करके और गाड़ी उनका सामने से मेरी इधर से जा रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? मैं मेरे घर पे जा रहा था तुलसापुर। कहाँ से आ रहे थे? इधर महाराष्ट्र से आ रहा था शेरपुर। क्या करके आ रहे थे महाराष्ट्र? इधर चटाई बेच के आ रहा। कितने लोग थे आपके साथ? 4 लोग थे, 3 लोग घर से निकल गए, वो नील थे, वो इसन खेड़ी नहीं थे। आपके पास कौन सा वाहन था? मोटरसाइकिल था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल प्रेम सिंह का उपचार अस्पताल में चल रहा है। भैरवगढ़ से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को सामने से तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कानीपुरा रोड स्थित गिरिराज रतन का रहने वाला करण पिता किशोर मराठा अपने दोस्त दीपू यादव के साथ बीती रात करीब 8:30 बजे भैरवगढ़ से आ रहा था। मंगलनाथ चौराहे पर सामने से आए एक अन्य बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल करण मराठा ने बताया कि टक्कर मारने वाला शख्स नशे में था। अरे मैं भैरवगढ़ साइड से आ रहा था तो अपने मंगलनाथ चौराहे पर सामने से स्पीड में नशे में था वो, उसकी गाड़ी में ब्रेक भी नहीं थे तो आके, और हमारी गाड़ी भी नॉर्मल स्पीड, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, 40-50 की स्पीड में ही थी तो आके और हमारे में भरा गया। कौन सी गाड़ी थी, क्या नाम है गाड़ी का, नंबर नंबर कुछ? मेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी TVS स्टार सिटी थी। हाँ नहीं थी, और हमारे पास थी पल्सर NS 125। आप कितने लोग थे? हम 2 जने थे, वो अकेला था। क्या नाम है उनका? वो भैरवगढ़ में पार्षद है वार्ड क्रमांक 3 का, उसका नाम है पंकज चौधरी, उसका भाई है वो छोटा सग्गा। महापौर मुकेश सुटवाल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का मुआयना किया और चिकित्सकों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी चर्चा की। महापौर ने मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों ने उन्हें सारी सुविधाएं मिलने की जानकारी दी। मुआयने में उनके साथ CMHO डॉक्टर संजय शर्मा, रोगी कल्याण समिति के सदस्य राजेश बोड़ाना भी थे। मुआयने के बाद महापौर मुकेश चटवाल ने बताया, आज हमारे उज्जैन के जिला चिकित्सालय में हमारे सारे बंधुओं से मिलने के लिए मैं आया था। यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और यहाँ की व्यवस्था बड़ी उत्तम व्यवस्था है, और मरीजों से मैंने सबसे बात करी, परिजनों से बात करी है, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे बड़े अच्छे से मिल रही है। यहाँ पे हमारा जो डायलिसिस सेंटर जो बनाया है उसमें कुछ 16 लोगों को ओपन करें, 11 लोगों, 11 मशीन यहाँ पे एक्टिव है, 11 से 22 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पे कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और ICU भी यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है, व्यवस्थित बन रहा है, वो भी मेरे हिसाब से 15 दिन में चालू हो जाएगा वो, तो इसकी भी सुविधा हमारे यहाँ के सारे नागरिकों को मिले।
टावर चौक पर शुक्रवार की शाम ख्यात संगीतकार एआर रहमान के तराने गूंजेंगे। राग म्यूजिकल क्लब के आयोजन में शहर के कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा। लगातार 7वें साल हो रहे आयोजन में सोनाली सिंह, उनेजा खान, सोनाली गंधर्व, गर्विता जैन, मोहम्मद रईस, सावन लोधवाल, नवतेज सिंह ठाकुर और मिलन पंड्या प्रस्तुति देंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।